ओम शांति। आज 6 जुलाई 2022 के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य सुनेंगे। और आज की मुरली में बाबा कहे, तुम बच्चे बाप के पास आए हो और तकदीर जगाते हो। तकदीर जगाने में कोई खर्चा लगता है? बाबा कहे, बच्चा आया अर्थात बच्चे ने जन्म लिया तो बाप के वर्से का अधिकारी बना। तो जैसे ही तुम बाप के पास आए, जीवन मुक्ति के वर्से के अधिकारी बन गए। इसमें कोई खर्चे की तो बात ही नहीं। जिस तरह अगर कोई शाहूकार पिता बच्चे को गोद लेता है तो भी कोई खर्चा नहीं, सहजता से बच्चा वर्से का अधिकारी बन जाते हैं। बस सिर्फ चाहिए इसमें निश्चय। ठीक इसी तरह बाबा भी कहे, तुम बच्चों को निश्चय पक्का होना चाहिए। कौन हमको समझाते हैं, कौन हमारी तकदीर बनाते हैं। जैसे ही ये निश्चय हो गया तो जीवन मुक्ति के वर्से के अधिकारी बन जाते हैं। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, बाप का बनने से तुम बिगर कौड़ी खर्चे सेकंड में जीवन मुक्ति का अधिकार पा लेते हो। निश्चय हुआ और वर्षा मिला। आज के मुरली से प्रश्न है, श्रूण बुद्धि यानी समझदार बच्चों का कर्तव्य कौन सा है? उत्तर है, सच्ची यात्रा करना और कराना, यही श्रूण बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। श्रूण मानो समझदार, बुद्धि बच्चों का कर्तव्य है। सच्ची यात्रा है मन मनाभो। इस यात्रा से और धक्कों से बच जाएंगे। मन मनाभो की सच्ची यात्रा करने से और जो दुनिया के धक्के खाने वाली यात्राएं हैं उससे बच जाएंगे। जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे श्रूण बुद्धि बच्चे बाप समान कल्याणकारी होंगे। जैसे बाप कल्याणकारी है, वैसे श्रूण बुद्धि बच्चे बाप समान कल्याणकारी होंगे। आज की मुरली से दूसरा प्रश्न है, बाप तुम बच्चों को कौन सी बात कहते हैं जो तुम सबके कान में सुनाते रहो? उत्तर है, बाबा कहे, बच्चे तुम मुझे याद करो। किसी देहधारी को याद नहीं करना है। देहधारी को याद करेंगे तो देह अभिमानी बन पड़ेंगे। इसलिए सदैव समझो, देहधारी सब मरे पड़े हैं। हमें बाप को याद करना है, यही बात सबके कान में सुनाते। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, तकदीर जगाकर आई हूं। ओम शांति। बच्चों की तकदीर बनाने में कोई खर्चा लगता है? पूछते बाप, बच्चों की तकदीर बनाने में कोई खर्चा लगता है? माँ बाप के पास बच्चा आया, बच्चों को कुछ खर्चा लगा वर्षा पाने में? पैदा होने से ही बाप की मिल्कियत का वर्षा मिल जाता है। अखबार में भी लिखते हैं ना कि फलाने वारिस का जन्म हुआ। बच्चे को कोई खर्चा लगा? नहीं, जन्म लिया उनको कोई खर्चा नहीं। खर्चा माँ बाप को होता है लेकिन बच्चे को कोई खर्चा नहीं। कोई बहुत धनवान है, बच्चे नहीं है, एडॉप्ट करते हैं, बच्चे का कोई खर्चा लगा? माँ बाप को खर्चा लगा, बच्चे का कोई खर्चा लगा? कुछ भी नहीं। यहाँ भी गाया जाता है, सेकंड में जीवन मुक्ति। दुनिया वाले भल जीवन मुक्ति का अर्थ नहीं जानते हैं। अब यह तो जानते हो, विश्व के मालिक जीवन मुक्त देवताएं थे। भारत में ही जीवन मुक्ति होती है। अब बाप पूछते हैं, बाप का बनने में कोई खर्चा लगता है? बस
बाबा मैं आपका हूँ, गाया भी जाता है। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, सिर्फ बाप की पहचान मिली। जिनके लिए बाप युक्तियां बतलाते रहते हैं, बताओ पारलौकिक परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? परमपिता वह तो बाप है। बाबा कहते हैं मेरा बनने लिए खर्चा लगता है? कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरा बनो, खर्चा कुछ भी नहीं। एक सेकंड में जीवन मुक्ति, खर्चे की बात ही नहीं उठती। बच्चा आया, क्या खर्चा हुआ? तुम बाप के बनते हो, क्या खर्चा हुआ? सिर्फ बुद्धि से ही निश्चय किया कि मैं आपका हूँ। बस बुद्धि से निश्चय किया मैं आपका हूँ। समझते हैं, बाप से स्वर्ग की बादशाही मिलती है। बाप स्वर्ग का रचयिता है, वर्षा मिलता है हेवन की बादशाही। निश्चय की बात है ना? पाए भी खर्चा नहीं करो, याद से ही तुम हीरे जैसा बन जाएंगे। हम लिखते भी है तुम जीवन मुक्ति पा सकते हो। कौड़ी भी खर्चा करने बिगर तुमको बादशाही मिल जाएगी। तुम कितने धक्के खाते हो? भक्ति मार्ग में यात्राओं पर मनुष्य बहुत धक्के खाते हैं। उनमें पंडे भी रहते हैं या कोई धर्माओ पुरुष धक्के खिलाते हैं? या तो पंडे लोग धक्के खिलाते या कोई धर्माओ पुरुष धक्के खिलाते हैं। पैसे भी बहुत खर्च करते हैं, मिलता तो कुछ भी नहीं है। यह बाप तो समझाते बहुत है, परंतु किसकी तकदीर में नहीं है तो बुद्धि में बैठता नहीं। कोई युक्ति निकाल धक्के खाने वालों को बचाए। बाबा कहे ऐसी कोई युक्ति निकालो जो धक्के खाने वाले उनको बचाए। सिर्फ बाबा की मुरली सुना, फिर जाकर सुनाया, यह कोई बड़ी बात नहीं। किसको क्या बोलना चाहिए, क्या करना चाहिए? ट्रेन में यात्रा करने जाते हैं, क्या युक्ति निकाले? बाबा जैसी युक्ति बतलाते हैं वह कोई अजून अमल में नहीं लाया है। बाबा जैसी युक्ति बतलाते हैं वह कोई अजून अमल में नहीं लाया है। कोई को भी प्यार से समझाना चाहिए। पतित पावन ज्ञान के सागर से आपका क्या संबंध है? पतित पावन ज्ञान के सागर से आपका क्या संबंध है? इस समय तक बाबा को समाचार नहीं लिखा। बाबा कहे इस समय तक बाबा को समाचार नहीं लिखा है कि बाबा इस धंधे में मैं लग गया हूँ। फलाने फलाने से पूछा है, वह क्या कहते हैं? कुछ भी बाबा को समाचार नहीं देते हैं। बाबा से तुम एक सेकंड में जनक मिसल जीवन मुक्ति पा सकते हो। अगर यह पहली हल की तो बाबा फर्स्ट क्लास बात सुनाते हैं। प्लास्टिक पर छोटे कार्ड छपवा लो, अच्छे पोस्ट कार्ड हो जो कहां भी भेज सके। बाबा के अच्छे पोस्ट कार्ड हो जो कहां भी भेज सके। तीर्थों पर तो धक्के ही खाते रहते हैं। तुम लिख भी सकते हो कि जन्म जन्मांतर के धक्कों से छूटना चाहते हो तो यह पहली हल करो। कौन सी? कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? और इसे हल करने से एक सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। बाबा अक्षर तो देते हैं। कोई बुद्धिमान बच्चा हो जो ठीक रीति लिख कर आवे और अच्छा छपा कर भेजे। बड़े शहरों में काम झट हो सकता है। बहुत सुंदर प्लास्टिक के कार्ड हो, उसमें त्रिमूर्ति का ठप्पा लगावे न लगावे,
बाबा कहे उसमें त्रिमूर्ति का ठप्पा लगावे न लगावे, बाबा युक्ति बहुत अच्छी बताते हैं। जनक को सेकंड में जीवन मुक्ति मिली, ये सिर्फ गाते रहते हैं, कोई को पता नहीं। बल अष्टावक्र गीता में है, परंतु उससे कोई समझ नहीं सकते। दंत कथाएं हैं, तुम प्रैक्टिकल में समझाने बैठे हो और किसी के समझ में है नहीं। बाबा कहे तुम प्रैक्टिकल इस समय समझाने बैठे हो और किसी के समझ है नहीं। समझदार है तो एक गॉड फादर, बाकी सबको रावण ने क्या बना दिया है, नॉन सेंसिबल बना दिया है, बेसमझदार बना दिया है। पावन को सेंसिबल, पतित को नॉन सेंसिबल कहा जाता है। इस बेहद की बात को कोई जानते नहीं है, यह तो बिल्कुल सिंपल है। सिर्फ बोले हाँ बरोबर हमारा पिता है। जब पूछो कि परम पिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है, तो वो बोले कि हाँ बरोबर हमारा पिता है। पिता से तो जरूर बिगर कोई खर्चा बच्चे को वर्षा मिलना चाहिए। बच्चा पैदा होता है और वर्षा मिल जाता है। लौकिक बाप से बच्चे को वर्षा मिलता ही है, जीवन बंद का। लौकिक बाप से बच्चे को वर्षा मिलता ही है, किस चीज का? जीवन बंद का। यह एक ही बाप है जिसको पति पावन कहा जाता है। यहाँ तो है ही रावण का आसुरी राज्य, अब तो यह ईश्वर बाप है, कहते भी है ना हेवनली गॉड फादर, तो उससे ही हेवन का वर्षा मिलना चाहिए। हेवन कहा ही जाता है नई दुनिया को, पुरानी दुनिया का तो महाविनाश सामने खड़ा है। जितना देरी होती जाएगी क्या होगा, मनुष्य को विनाश का निश्चय आता जाएगा। आसार जैसे देखते हैं तो धीरे धीरे विनाश का निश्चय भी आता जाएगा। मनुष्य को दिल में आता भी जा रहा है, समझते हैं कल भी लड़ाई छिड़ सकती है, यह भी समझते हैं मौत सामने खड़ा है। तुम भी बतलाते हो हम प्रजा पिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं। शिव बाबा के बच्चे तो है ही, वर्षे के हकदार बन जाते हैं। बस सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो, कार्ड में भी ये अक्षर डालने हैं। ये एक ही पहली हल करो तो क्या होगा, तो एक सेकंड में बिगर कौड़ी खर्चा जीवन मुक्ति मिल सकती है। सिर्फ बाप और वर्षे को याद करने का है, बस स्वर्ग का मालिक बन जाएंगे ना। स्वर्ग में भी नंबरवार पद तो है ना, ज्ञान से फिर आप ही समझ जाएंगे कि हमको क्या करना है। यहाँ पैसे आदि की कोई बात नहीं। बाबा हमेशा बच्चों को कहते हैं मांगने से मरना भला। बाप से वर्षा पा लिया फिर मांगते क्यों हो, माँ बाप दोनों चाहते हैं एक लड़का वारिस हो। तुम अभी बाबा के बच्चे हो ना, सब फादर कहते हो ना, बाप आत्माओं से बात करते हैं। अरे लड़के तो तुम हमारे हो ना, बाबा क्या कहते हैं, लड़के तो तुम हमारे हो ना, फिर मुझे और वर्षे को क्यों नहीं याद करते हो। इन लड़कों यानी आत्माओं से बात करता हूँ ब्रह्मा तन द्वारा। बाबा आत्माओं से बात करते हैं ब्रह्मा तन द्वारा। ब्रह्मा के भी तुम बच्चे ठहरे, नहीं तो ब्रह्मा के घर आ कैसे सकते। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को वर्षा मिलता है दादे का। स्वर्ग का रचयिता कोई ब्रह्मा नहीं है, तुम्हारा गुरु तो कोई ब्रह्मा नहीं है, सतगुरु तो है ही एक। ये ब्रह्मा भी उससे सीखते हैं, ऐसे नहीं
कि सीख कर वह चला जाएगा तो हम गद्दी पर बैठ जाएंगे? नहीं, ऐसा होता नहीं। बाबा कहे ऐसे होता नहीं। सतगुरु एक ही है, हम सब उनसे सीख कर सदगति को पाते हैं। बच्चे सर्विस बहुत कर सकते हैं, बहुत चांस है। मंदिरों आदि में भी ये कार्ड ले जाकर समझा सकते हो, कोई काम करके दिखावे। क्या कहते बाबा? कोई काम करके दिखावे। बाबा जो युक्ति बताते हैं बड़ा इजी है। बाबा जांच करते रहते हैं, देखे कहां से समाचार आता है कि बाबा ट्रेन में हमने 10-20 से ये प्रश्न पूछा। एक से प्रश्न पूछेंगे तो 10 सुनेंगे। घर में बैठ किसी को समझाया ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। बाबा कहे ट्रेन में इतना टाइम मिलता है, वहां पूछो, एक को पूछेंगे 10 सुनेंगे। लेकिन बाबा के पास ऐसा समाचार कहीं से आता नहीं है। बाप कहते सिर्फ बाप और वर्षे को याद करो। छोटे बच्चों को तो बुद्धि में नहीं रहता है, जब बालिग होता है तब बुद्धि में रहता है। तुम्हारे तो ऑर्गन्स बड़े हैं, सेकंड में जीवन मुक्ति मिलती है। जानते हो बाबा हमें स्वर्ग का वर्षा देते हैं। बेचारे मनुष्य बाहर बहुत धक्के खाते रहते हैं। आज बाबा को बड़ा रहम आ रहा है उन आत्माओं पर जो इतने यात्राओं पर धक्के खाते हैं। तो बाबा कहे बेचारे मनुष्य बाहर बहुत धक्के खाते रहते हैं, उनको छुड़ाएं कैसे? इसमें युक्तियां बहुत चाहिए। कितनी बच्चियां घर बैठे लिखती है कि बाबा हम तो आपके हो गए, कभी देखा भी नहीं, मिली भी नहीं, लिखती है बाबा हम आपके हैं, आपसे वर्षा हम लेकर ही रहूंगी। मार भी खाती रहती है। ऐसी बच्चियां बहुतों से आगे जा सकती है। तुम तो मार भी नहीं खाते हो तो भी ये सर्विस नहीं करते हो। बाबा की भी सुनी अनसुनी कर देते हैं। तुम कोई भी भाषा में कार्ड छपवा सकते हो। काम करने वालों की बुद्धि चलनी चाहिए। आज बाबा को इतना रहम आ रहा है, इसलिए बाबा कहे काम करने वालों की बुद्धि चलनी चाहिए। बाबा कोई जास्ती काम थोड़ी देते हैं। उस दुनिया की गवर्नमेंट की कितनी बड़ी पंचायतें हैं विनाश के लिए। तुम्हारे पास अविनाशी पद पाने के लिए कितनी अच्छी युक्तियां हैं। भक्ति मार्ग में बहुत खर्चा करते हैं और तुम देखो क्या कर रहे हो। कोई खर्चा नहीं। भक्ति मार्ग में बहुत खर्चा होता है। तुम एक सेकंड में जीवन मुक्ति पाते हो। सेंसिबल जो बच्चे हैं वह बाबा को कार्ड छपा कर दिखावे। हम कितना सहज बाबा से वर्षा ले रहे हैं। मनुष्य तो कितने दुखी होते हैं, कितने तो यात्रा में बीच से ही लौट आते हैं। गरीब बिचारे बहुत भटकते हैं, उन बिचारों पर तरस पड़ता है। तुम गॉड फादर के बच्चे हो तो तुमको तो स्वर्ग में आना चाहिए, यहाँ तुम नरक में क्यों पड़े हो? यह कोई बताने वाला चाहिए। तुम किसको भी समझा सकते हो। क्या समझा सकते हो? कि अल्लाह को याद करो, अल्लाह के घर जाने के लिए। वहां से ही तुम आए हो। अब बाप को याद करो, नन बट वन, और किसी को नहीं, सिर्फ एक को, नंस को ही समझाना पड़े। तुमको याद करना है गॉड को। क्राइस्ट ने भी उनको याद किया है। समझो ब्रह्मा चला जाता है तो भी तुमको याद तो शिव बाबा को करना है। शरीर तो छूटेगा ही, तुमको याद उनको करना है।
शिव बाबा कहते हैं सिर्फ मुझे ही याद करो, किसी देहधारी को याद नहीं करना है, देही अभिमानी बनना है। देहधारी तो सब मरे पड़े हैं। बाप कहते माँ में कम याद करो, दुनिया में तो एक दो को दुखी करते रहते हैं, यहाँ हम एक बात कान में सुनाते हैं, है बहुत इजी, अलफ और बे, बाप और बादशाही को याद करो। बाप और बादशाही को याद करो, मन मना भव का अर्थ ही यह है, बाकी तो सब है डिटेल। बाप कल्याणकारी है, बच्चों को भी कल्याणकारी बनना है, बच्चों को भी सबूत देना है आज हमने कितनों का कल्याण किया। कल्याण करने लिए घूमना पड़ता है, धर्म स्थापना अर्थ भी धक्का खाना पड़ता है। हम ऐसी यात्रा सिखलाते हैं जो कब दूसरी यात्रा करनी न पड़े। मन मना भव, यात्रियों के पिछाड़ी लग जाना चाहिए, बड़ी शुरूर समझदार बुद्धि चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लते बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, हीरे जैसा बनने का साधन क्या है? हीरे जैसा बनने का साधन बाप की याद है। बाप की याद से बिगर कौड़ी खर्चा विश्व की बादशाही मिल जाएगी, इसलिए निरंतर एक बाप की याद में रहना है। दूसरी पॉइंट, मांगने से मरना भला। बाप से सब कुछ मिल गया इसलिए मांगना नहीं है, कल्याणकारी बन सबको सच्चा रास्ता बताना है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान हम बच्चों के प्रति है, सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले योगी सुप्रयोगी आत्मा भवा। सर्व खजानों को कार्य में लगाकर बढ़ाने वाले योगी सुप्रयोगी आत्मा भव। बाप दादा ने बच्चों को सर्व खजाने प्रयोग के लिए दिए हैं। जो जितना प्रयोगी बनते हैं, प्रयोगी की निशानी है प्रगति। अगर प्रगति नहीं होती है तो प्रयोगी नहीं। योग का अर्थ ही है प्रयोग में लाना। तो तन मन धन या वस्तु जो भी बाप द्वारा मिली हुई अमानत है, उसे अलबेलेपन के कारण व्यर्थ नहीं गवाना। बल्कि उसे कार्य में लगाकर 1 से 10 गुना बढ़ाना, कम खर्च वाला नशीन बनना, यही योगी सो प्रयोगी आत्मा की निशानी है। आज का स्लोगन है, विकर्मों और विकारों का त्याग करना ही सच्चा त्याग है। अच्छा, ओम शांति।